नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, सिटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है और आपके लिए पेश है आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। उत्तर रेलवे नाटक क्लब द्वारा आयोजित श्री रामलीला में तारका वध का मंचन निर्देशक पंकज बजाज के निर्देशन में किया गया। जाहरवीर गोगोई जी की स्मृति में नगर निगम सहारनपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं एकता का प्रतीक मेला गोपाल 2019 के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में नाट्य अकेडमी सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर के भूगोल विभाग द्वारा महाविद्यालय के पुस्तकालय सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण राम नाटक क्लब के तत्वाधान में आयोजित 70वां श्री रामलीला एवं शुभ दशहरा महोत्सव का आयोजन श्री रामलीला जुबली पार्क सहारनपुर में किया गया। 83 UP बचाने NCC की कई SCM इंटर कॉलेज में कमान अधिकारी कर्नल अजीत कुमार शर्मा के निर्देशन में एवं एसोसिएट NCC अधिकारी ब्रजेश पुंडीर के नेतृत्व में NCC कैडेट से स्वच्छता पखवाड़ा में पॉलिथीन उन्मूलन अभियान चलाया। सिटी वैन न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। उत्तर रेलवे नाटक क्लब द्वारा 69वां श्री रामलीला में तारका वध का मंचन निर्देशक पंकज बजाज के निर्देशन में बड़ी संख्या में आए दर्शकों के बीच भक्तिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। उत्तर रेलवे नाटक क्लब के कोषाध्यक्ष रमन चावला ने बताया कि आज की रामलीला में तारका वध का मंचन किया गया। कोषाध्यक्ष रमन चावला ने कहा कि उत्तर रेलवे नाटक क्लब द्वारा आयोजित श्री रामलीला के निर्देशक पंकज बजाज जी बहुत मेहनत करते हैं। इस अवसर पर क्लब के चेयरमैन संजीव शर्मा, प्रधान रवि जुनेजा, यशपाल त्रिहान, मीडिया प्रभारी अमित यादव, मोनू हन्नी वर्मा, मनोज चिटकारा, मान सिंह नूरी, यतिन भासिन, रिंकू अरोड़ा, मुकेश दत्ता, मुकेश सेठ, अर्पित शर्मा, विशाल अवस्थी, पंकज अवस्थी, विजय शर्मा, सुशील कक्कड़, राजेश पाहवा, राहुल साहू, जगदीश प्रसाद, प्रशांत चौहान, विपिन सैनी, डॉक्टर प्रवीण राजपूत, मनु ग्रोवर, अमित सेठी, हिमांशु सैनी, किरण, तरुण अरोड़ा, चिराग अरोड़ा, गौतम बग्गा आदि शामिल रहे। रमन चावला, मैं उत्तर रेलवे नाटक क्लब में कोषाध्यक्ष पद पर जो है कार्य कर रहा हूँ और आज की हमारी जो नाइट है वो गोल्डन नाइट तारका वध, जिसके लिए यह नाइट हमारी पूरे शहर में बहुत ही मशहूर है और इसमें बहुत लगभग इतनी भीड़ है कि हमारे लिए उसको संभालना भी कठिन है और इसके एक स्पेशल वो है कि हमारे यहाँ ये ताड़का जो है विभिन्न प्रकार से अलग अलग रूपों में ताड़का है और जो मेन ताड़का है वो हवा में उड़ती हुई जो है आती है, उसी को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इसके लिए हमारे जो डायरेक्टर पंकज बजाज जी हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उम्मीद है कि ये ताड़का वध जो है ऐसी ताड़का वध का मंचन हमारे और शहर में शायद ही कहीं और होता। जाहरवीर गोगोई जी की स्मृति में नगर निगम सहारनपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं एकता का प्रतीक मेला गोपाल 2019 के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में नाट्य अकेडमी सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत हास्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया। जनमंच प्रेक्षागृह में आयोजित हास्य संगीत संध्या में कार्यक्रम संयोजक विजेश जोशी, कार्यक्रम सह संयोजक नीरज जैन, कार्यक्रम सह संयोजक मुकेश आदि उपस्थित रहे। जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर के भूगोल विभाग द्वारा महाविद्यालय के पुस्तकालय सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भूगोल विभाग के अध्यक्षता डॉक्टर ज्योति सिंह ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में भूगोल विभाग के MA तृतीय सेमेस्टर एवं MA प्रथम सेमेस्टर BA भूगोल विषय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण के नवीनतम गंभीर एवं ज्वलंत मुद्दों तथा इससे जुड़े विभिन्न पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का सफल संचालन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह ने किया। ज्योति सिंह अध्यक्ष भूगोल विभाग जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर। आज हमारे भूगोल विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया है जो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर आधारित है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अब सोचना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम करोड़ों खर्च कर दूसरे ग्रहों पर तो जीवन तलाश रहे हैं, लेकिन पृथ्वी जो जीवनदायिनी है हम उसका अपने हाथों से उसे नष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अरावली की श्रृंखलाओं की बात करें, जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये जानकर ताज्जुब होगा कि अरावली की 31 पहाड़ियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। 31 पहाड़ उसके लोगों ने खनन करके बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। श्री कृष्ण राम नाटक क्लब के तत्वाधान में आयोजित 70वां श्री रामलीला एवं शुभ दशहरा महोत्सव का आयोजन श्री रामलीला जुबली पार्क सहारनपुर में किया गया। वो बिल्कुल भी ना कमरा है।
ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया? कौन श्रवण कुमार? बेटा श्रवण कुमार, ये मैंने क्या किया? शिखर के धोखे में शर्मन को मार मारा, ये तूने। थ्री यूपी बटालियन एनसीसी की इकाई एसएम इंटर कॉलेज में कमान अधिकारी कर्नल अजित कुमार शर्मा के निर्देशन में एवं एसोसिएट एनसीसी अधिकारी ब्रजेश पुंडीर के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता पखवाड़ा व पॉलिथीन उन्मूलन अभियान चलाया। स्वच्छता पखवाड़ा व पॉलिथीन उन्मूलन अभियान में 90 कैडेट्स ने संयुक्त रूप से विद्यालय परिसर में साफ सफाई करते हुए आसपास के क्षेत्रों में घर घर जाकर सफाई के प्रति अभियान चलाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार, प्रथम अधिकारी ब्रजेश पुंडीर, रामवीर सिंह, डॉक्टर सादाराम, मुनीश गुप्ता, नवीन गुलाटी, सुधीर शर्मा, मनीष राठी, प्रदीप धीमान, संजय शर्मा, सुनील कुमार, अनिल कुमार, अभिषेक तोमर सहित 90 कैडेट्स सम्मिलित हुए। प्रणाम। फर्स्ट ऑफिसर ब्रजेश पुंडीर, 83 यूपी बटालियन एनसीसी। आज क्या कार्यक्रम? आज ये हमारी बटालियन ने स्वच्छता अभियान चलाया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 अक्टूबर तक ये चलना है। हम एक पखवाड़ा एसएम इंटर कॉलेज के छात्रों ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, उसके बाद एक मानव श्रृंखलाएँ बनाएंगे यहाँ सड़क पर देहरादून रोड पे, पोस्टर स्लोगन हाथों में लिए हुए, जिसका एक मेन उद्देश्य रहेगा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, साथ साथ पॉलीथीन का बहिष्कार करना। पॉलीथीन का किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का प्रयोग अवैधानिक घोषित किया गया, इसका प्रयोग कदापि नहीं किया। सिटीवैन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।